हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, तो आपको याद ही होगा कि हम लोगों ने द ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसका जब लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे स्टोरी देखेंगे और देखिए, हमने ये देखा था कि फ्रैंक और टैपलोव के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस जिसके लिए टैपलॉव स्कूल में आया है वो नहीं आए हैं अभी तक। और टैपलॉव जो है वो बातचीत फ्रैंक से जो दूसरे टीचर हैं उनसे कर रहा है। तो जब वो कहता है कि बहुत सारे टीचर जो हैं सैडिस्ट होते हैं, सैडिस्ट यानी कि जो आपको आपको तकलीफ़ अगर होती है तो वो दिली दिल में खुश होते हैं टीचर ऐसे। तो जब बातचीत होती है तो वो बताता है कि सैडिस्ट सर समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। देखिए सर, सैडिस्ट उसको कहते हैं जो कि दूसरों को तकलीफ़ हो तो बहुत खुश होता है। इंडीड बट आई थिंक यू वेंट टू से दैट सम अदर मास्टर्स, अभी तो तुम कहने जा रहे थे कि कुछ मास्टर ऐसे हैं जो कि दूसरे बच्चों को तकलीफ़ होती है, पिटाई करते हैं या कुछ इस तरह का पेन तकलीफ़ देते हैं तो उनको ज़्यादा आनंद आता है। वेल ऑफ़ कोर्स दे आर सर, तो टैपलॉव कहता है हाँ सर हैं तो ज़रूर। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगा। बट यू नो देम एज़ वेल एज़ आई डू, जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी उनको जानते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड थिंग, ज़्यादातर मास्टर यही समझते हैं कि लड़के जो हैं वो कुछ समझते नहीं हैं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप अलग हो, यू आर यंग। वेल कॉम्परेटिवली एनी वे, कॉम्परेटिवली आप अभी नौजवान हो, खैर जो भी हो, और यू आर साइंस, आप साइंस के टीचर हो। यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज, और आपको पता ही होगा कि सैडिज्म क्या होता है। आफ्टर अ पॉज, गुड लॉर्ड वॉट आवर स्कूल्स आर कमिंग टू, तो फ्रैंक जो है वो कहते हैं बाप रे अब हमारा स्कूल कैसा हो रहा है, मतलब बच्चे कैसे कैसे हो रहे हैं अब, है ना, कैसी थिंकिंग रखते हैं। टैपलॉव एनी वे क्रॉक isn't sadist, तो टैपलॉव कहता है खैर चलिए कोई बात नहीं है, छोड़िए उन बातों को, मिस्टर क्रॉक जो है, क्रॉकर हैरिस वो ऐसे नहीं हैं। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, ये मैं कह रहा हूँ। ही वुडन बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग, वो इतने डरावने तो नहीं हैं, अगर ऐसे लगते तो शायद हमें लगता कि हाँ उनमें कोई फीलिंग है। बट ही हैज़न्ट हैज़न्ट, लेकिन वो नहीं है ऐसे। ही इज़ ऑल श्रिवल्ड अप इन साइड लाइक अ नट, एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, और वो तो बिल्कुल ही अपने आप में सिमटे हुए हैं बिल्कुल, है ना, जैसे कोई नट के अंदर होता है ना, नट के अंदर जो कुछ भी होता है तो आप देखते ही हो कि पहले नट को तोड़ो तब वो बाहर हो निकलो, तो ऐसे अंदर एकदम बिल्कुल सिकड़ कर हैं। और वो नहीं चाहते कि लड़के ये बोलें कि वो मतलब वो टीचर को लाइक करते हैं। इट इज़ फनी, है ना, दैट ये अजीब लगता है ना कि हर टीचर चाहता है कि बच्चे उसको पसंद करें, और ये ऐसे टीचर हैं जो नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें पसंद करें। आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, मैं तो ऐसे किसी टीचर को नहीं जानता जो कि अपने आप को पसंद करना नहीं पसंद करता हो, यानी बच्चे उसे पसंद करें ये चीज़ वो पसंद नहीं करता हो। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस, और फ्रैंक बताते कहते हैं हाँ मैं भी जानता हूँ, क्योंकि टीचर जो जिस बच्चे को पसंद करते हैं ना वो उस चीज़ को यूज़ करता है बच्चा, कि टीचर उसको पसंद करते हैं तो फ़ायदा उठाए, है ना। टैपलॉव, वेल इट इज़ नेचुरल सर बट नॉट विथ क्रॉक, तो टैपलॉव कहता है कि ये तो नेचुरल है सर कि कोई टीचर अगर आपको लाइक करे तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाओगे, लेकिन मिस्टर क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है। मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक बोलते हुए मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोल रहे हो, टैपलॉव मिस्टर क्रॉकर हैरिस, हाँ क्रॉकर हैरिस ही बोल रहा हूँ। द फनी थिंग इज़ दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, तो टैपलॉव कहता है कि सबसे मज़ेदार बात तो ये है सर कि चाहे जो भी हो मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ, आई कांट हेल्प इट, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। एंड समथिंग आई थिंक ही सीज इट एट दैट सीम
टू श्रिवल हिम अप इवन मोर। और शायद वो ये चीज़ जानते हैं, इसी वजह से वो और भी मतलब एक दूरी जो होती है अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखना है ना, वो दूरी बना के रखते हैं। आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग। तो फ्रैंक कहते हैं कि लगता है कि तुम ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो उनके बारे में। टैप लव, नो सर आई एम नॉट, बोले नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ इस तरह से। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ द क्लासिकल जोक्स। एक दिन अभी आपको बताता हूँ, पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त जोक बोला था। तो क्लासिकल जोक्स का मतलब कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का जो होता है वो। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। अब स्वाभाविक है इस तरह का जोक अगर बोलेंगे वो तो किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए कोई हंसा ही नहीं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, और मैं भी था। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, सो आई लाफ। लेकिन ये बात मुझे समझ में आ गई कि सर जरूर कुछ हंसी वाली बात होगी, मजाक वाली बात होगी, तभी उन्होंने ऐसा बोला और उनका मतलब ये होगा, और इस वजह से मैं हंस पड़ा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक। शायद इस वजह से भी मैं हंसा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा उनके प्रति पोलाइट होना चाहिए, और बहुत ही सॉरी फील कर रहा था मैं कि उन्होंने इतना बेकार सा जोक बोला था। नाउ आई कांट रिमेंबर वॉट द जोक वॉज। अब तो मुझे याद नहीं है कि वो जोक कौन सा था, बट सपोज़ आई मेक इट नाव यू लाव सर, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो आप भी हंस पड़ेंगे। फ्रैंक लाव्स, फ्रैंक हंसने लग जाए। टैपलॉ इन अ जेंटल थ्रोटी वॉइस, और फिर वह भारी सी आवाज़ में वो बोलता है, टैपलॉ यू लाफ्ड, टैपलॉ तुम हंसे एट माई लिटिल जोक, मेरे छोटे से जोक पे। आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया था। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज एट द एडवांस योर लैटिन हैज़ मेड, सिंस यू आर यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड वॉट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट। और वो भाषा, चूँकि आपको पता ही ना कि लैटिन भाषा को क्लासिकल भाषा कहा जाता है, तो वो लैटिन भाषा में जोक था, और टीचर को लगा कि मैं टैपलॉफ जो है वो समझ गया जोक को, और इस वजह से उनको लगा कि शायद वो इसने लैटिन ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, समझ सकता है, इसी वजह से उसको जोक समझ में आ गया और हंसा, जबकि पूरी क्लास नहीं हंसी। Perhaps now you would be good enough to explain it to them. अच्छा होगा कि तुम इस चीज़ को बाकी बच्चों को भी एक्सप्लेन कर दो कि आखिर वो जोक में उस जोक में क्या था, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि जिस तरह से तुम्हें मज़ा आया जोक सुनकर वैसे ही बाकी बच्चों को भी मज़ा आए। अभी ये बात कर ही रहे थे, द डोर अपराइट इज़ पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर्स। तभी क्या होता है, दरवाज़ा जो है वो खुलता है और मिली क्रॉकर हैरिस अंदर आ जाती हैं। शी इज़ अ थिन वुमेन, वो दुबली पतली महिला हैं, इन हर लेट थर्टीज़, 35 साल से ज़्यादा उम्र है इनकी। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस दैन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, बाकी स्कूल मास्टर की पत्नियों की तुलना में उन्होंने ज़्यादा अच्छा मतलब स्मार्ट तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। शी इज़ वियरिंग अ केप, उन्होंने एक केप पहन रखा है, केप पहन कहते हैं जो बिना बाजू वाला ड्रेस होता है ना वो। कैरीज शॉपिंग बास्केट, और उनके हाथ में एक शॉपिंग बास्केट है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैपलॉव एंड फ्रैंक, और उसके बाद वो साइड में दरवाज़ा बंद करती हैं और वो स्क्रीन के सामने खड़ी हो जाती हैं टैपलॉव और फ्रैंक की तरफ देखते हुए। इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, कुछ सेकंड लग जाते हैं इन लोगों को नोटिस करने में उनको कि मिसेस क्रॉकर हैरिस वहाँ पर हैं। फ्रैंक कम अलॉन्ग, टैपलॉव मूव स्लोली अबव द डेस्क, वो टैपलॉव को बुलाते हैं और धीरे धीरे करके वो डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, इतने स्वार्थी मत बनो कि तुम एक अच्छे जोक को अपने पास ही रखो, यानी तुम मुझे भी बताओ। टेल द अदर्स, दूसरों को भी बताओ। ये ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, ओ लॉर्ड, तभी क्या होता है वो ठिठक जाते हैं देख कर कि मिली जो है वहाँ खड़ी हैं, उनको पता है कि ये मिस्टर क्रॉकर है, इसकी पत्नी है,
ओह लॉर्ड उनके मुंह से निकल जाता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक जल्दी से मुड़ते हैं, सीम्स इनफाइनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और शायद मिली को देखकर थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते हैं। फ्रैंक ओह हेलो, उसको हेलो बोलते हैं। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, मिली के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हेलो, शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और वो साइड बोर्ड के पास आती हैं और अपना बास्केट उसके ऊपर रख देती हैं। टैपलॉव मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, मूविंग टैपलॉव थोड़ा सा फ्रैंक के लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाता है, विस्परिंग फ्रेंटिकली, और थोड़ा सा फुसफुसाते हुए बोलता है, डू यू थिंक शी हर्ड, क्या आपको लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली होगी। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कम्फर्टिंगली, से फ्रैंक बड़े आराम से सिर हिलाते हैं। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन टू द हॉल स्टैंड। मिली क्या करती है कि केप जो उसने ऊपर से पहन रखा है ड्रेस के ऊपर, उसको उतार कर एक हॉल स्टैंड बना हुआ है उसके ऊपर टांग देती हैं। आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, मुझे लगता है कि उन्होंने सुन लिया होगा क्योंकि वो थोड़े समय से वहाँ खड़ी थी। टैपलॉव इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, अगर उन्होंने सुन लिया और उनको बता दिया मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, तो मेरा तो जो ये है प्रमोशन है नेक्स्ट क्लास में, वो तो गया। फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, क्या बकवास कर रहे हो, और वो फायर प्लेस के पास चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली जो है वो साइड बोर्ड से बास्केट उठा लेती हैं और थोड़ा सा और आगे टेबल की तरफ जाती हैं और बास्केट को उसके ऊपर रख देती हैं। मिली टू टैपलॉव, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मिली उससे टैपलॉव से पूछती है कि क्या तुम मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हो। टैपलॉव मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, यस, तो टैपलॉव टेबल के लेफ्ट साइड में चला जाता है ये कहते हुए कि हाँ। मिली ही इज़ एट बर्शर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ़ आई वुड गो। तो मिली बताती है कि वो जो कोषाध्यक्ष जो होते हैं कॉलेज और स्कूल में, उनके ऑफिस में गए हैं और वहाँ पर थोड़ी देर रहेंगे, अगर मैं तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। टैपलॉव डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम, तो टैपलॉव को थोड़ा डाउट होता है और वो कहता है कि उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे कहा था कि तुमको यहाँ आना है। मिली वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक, तो क्यों नहीं तुम यहाँ से भाग जाते हो पौने घंटे के लिए और वापस आ जाते हो। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, बोलते बोलते वो अपने बास्केट से कुछ चीज़ें निकालती हैं। टैपलॉव सपोजिंग ही गेट हियर बिफोर मी, तो टैपलॉव कहता है ऐसा मान लीजिए कि वो मेरे आने से पहले यहाँ पर आ गए तो। मिली स्माइलिंग, मिली थोड़ा मुस्कुराती है, आई विल टेक द ब्लेम, तो कहती है कि मैं सारी जिम्मेवारी ले लूँगी, दोष मैं अपने ऊपर ले लूँगी। शी टेक्स अ प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, और बास्केट से एक प्रेस्क्रिप्शन बाहर निकालती हैं। आई टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, उसके लिए काम आप कर सकते हो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, तुम्हें इस प्रेस्क्रिप्शन को ले जाओ केमिस्ट के पास और वहाँ से चीज़ें ले आओ। टैपलॉव ऑल राइट, मिसेस क्रॉकर हैरिस ही क्रॉसेस टूवर्ड द डोर अपराइट, और टैपलॉव ऑल राइट बोलकर मिसेस क्रॉकर हैरिस को वहाँ से चला जाता है। ठीक है, सो दिस द स्टोरी, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर पूरी स्टोरी को देख सकते हैं और तब आपको उस पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।